हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा दो का पाठ दो, जिसका नाम है कागज़ की नाव, पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में आप एक छोटी सी लड़की जिसका नाम विद्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शनिवार की रात में विद्या सोने गई तो अपनी माँ से वो बोली कि माँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। ये बात सुनकर माँ ने उससे पूछा, क्यों, कल तो रविवार है। तो फिर विद्या खुशी से नाचते हुए माँ को बोलती है कि हाँ माँ, कल मेरी छुट्टी है, लेकिन कल सौम्या, राधा और रमन हमारे घर आएंगे, हम सब खूब खेलेंगे। इतना कहते ही वो खुशी से उछल पड़ती है। फिर माँ ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, खेल लेना, परंतु अभी तो तुम सो जाओ। अगले दिन विद्या जब सुबह उठती है तो वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है। वो देखती है कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। विद्या ये देखकर खुश हो जाती है और वो दौड़ कर अपने आंगन में आ जाती है। फिर नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें उस पर गिरने लगती है तो विद्या को अच्छा लगता है। वो भाग कर बूंदों को पकड़ने लगती है। बूंदें तो पकड़ी नहीं गई पर वो भीगने लगी। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, विद्या अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगी। माँ की बात सुनते हुए विद्या तुरंत ही अंदर चली गई और फिर नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूँगी, बाहर तो बारिश हो रही है। और वो ये कहकर निराश हो गई। तभी माँ ने उससे कहा, चलो मैं तुमको आज बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। यह सुनकर विद्या उछलकर माँ से बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी सिखाओ ना माँ। फिर माँ ने विद्या को कागज़ की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते हुए पानी में अपनी पहली नाव को तैराया। पास वाले घर की बालकनी से राधा भी उसे देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा विद्या से कि मैं भी नीचे आती हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। इतने में ही रमन और सौम्या भी विद्या के घर आ जाते हैं। फिर सभी ने विद्या की माँ से नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावों को तैराने लगे। फिर विद्या की माँ ने सभी से मुस्कुराते हुए पूछा, था ना ये नया खेल, कागज़ की नाव बनाकर, कैसा लगा तुम सभी को, अच्छा या नहीं? आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। अभी मैं आप सबको इस पाठ का प्रश्न उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न एक, विद्या के स्कूल में छुट्टी क्यों थी? उत्तर, रविवार होने के कारण विद्या के स्कूल में छुट्टी थी। प्रश्न दो, विद्या का नया खेल क्या था? उत्तर, विद्या का नया खेल कागज़ की नाव बनाना था। प्रश्न तीन, आसमान में क्या छाए हुए थे? उत्तर, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। प्रश्न चार, माँ ने विद्या को क्या सिखाया? उत्तर, माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया। अब आपका गृह कार्य ये है कि जैसे ही आप अपने किताब में कॉपी में प्रश्न उत्तर लिख लें, फिर अपनी किताब में ये जो एक्सरसाइज है वो लिख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपके पाठ के पीछे ही दिया हुआ है, इसका उत्तर मैंने पहले ही लिख लिया है, आप सिर्फ ये अपनी किताब में लिख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ तथा इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।